मैं बहुत ज्यादा आनंदित आते मैं परमेश्वर का बहुत शुक्र करती हूँ। थैंक यू वेरी मच कि तुसी सारे ने इत्थे आए ते मेरा विश्वास है अज जो मैं परमेश्वर नु पूछ रही सी मैं कि प्रभु जी तुसी की चाहते हो कि आज मैं वचन शेयर करा थोड़े लोगों के नाल केड़ी ऐसी गल है जिहड़ी तुसी अज अपने लोगों के विच करना चाहते हो ते परमेश्वर ने मैनू बड़े सारे लोगों के चेहरे दिखाए ते प्रभु ने दस्या कि लोकी सीख चुके ने कि कंप्लेन नहीं करना चाहिए इन्नी सारी टीचिंग्स इन्नी सारी गल्लां इन्नी सारी प्रीचिंग इन्नी सारी सर्मन्स कि हम इस बात को समझ गए हैं कि हमें कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने एक बात जो मेरे मन में डाली वो ये है कि अब लोग कंप्लेन नहीं करते हुन लोकी कंप्लेन घट कर देने पर हाले भी उन्होंने पता नहीं केड़ी ऐसी प्रार्थना है जिहड़ी परमेश्वर के दिल नूं छू जांदी है। सो अज मैं थोड़े नाल एक ऐसी राज दी गल शेयर करन जा रही हूँ वचन दे विचों जिहदे नाल तुसी समझ सकोगे कि केड़ी ऐसी गल है केड़ी ऐसी चीज है कि जो तुसी अपना मुंह खोलोगे परमेश्वर के कान तुहाडे वल नूं इनक्लाइन हो जाएंगे। किन्ने लोग तैयार ने इस गल नूं समझण वास्ते ते सिखण वास्ते। मैं हमेशा अपने प्रचार दे विच कहिंदी जिहड़े तैयार हो जोर ते कहो मैं तैयार हाँ प्रभु का शुक्र कर दे क्योंकि जे तुसी तैयार हो तो परमेश्वर भी तैयार ने ता जो थोड़े तक वो गल नूं पहुंचा सके। आमेन। चलो मैं एक स्टोरी दे नाल शुरू कर दी अज दा वचन। एक बार एक बच्चा बहुत गर्मी के दिनों दे विच स्विमिंग करन जाना चाहता है ते वो देखता नहीं है कि भई जिहड़ी लेक दे विच वो जंप कर रहा वो सेफ है कि नहीं। वो बच्चा गर्मी च बस अपने कपड़े कुपड़े सुटदा होया नठदा होया जांदा है ते नठदा होया ही वो लेक दे विच कूद जांदा है। जदों जंप कर जांदा है उत्थे आस पास कुछ लोग खड़े होंदे ने वो अचानक देखदे ने कि एक पासे तो मगरमच्छ आ रहा है ते इधरले पासे तो बच्चा स्विमिंग करदा होया जा रहा उन्हूं बड़ा दसन की कोशिश करते रौला पाते पर वो बच्चा शायद थोड़ी जी आवाज नहीं सुनता क्योंकि पानी दे विच होंदा जदों पानी चो थोड़ा मूँह कढ़दा है तो उन्हूं पता लगता है लोकी उन्हूं इशारा कर रहे कि अगों मगरमच्छ आ रहा तू नठ जल्दी वापस जा। कुछ दूरी ते उसके पापा भी काम कर रहे होंदे ने लकड़ियां कट रहे होंदे ने ते जिस तरह ही वो बच्चा वापस नूं मुड़दा है ए जान के कि पिछे मगरमच्छ आ रहा है ते बड़ी स्पीड नाल अपने आप नूं स्विम करन दी कोशिश करदा ते चिल्लांदा जोर जोर दी रौला पांदा अपने पापा नूं बुलांदा पापा 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 अचानक उस दी आवाज सुनदे ने ते उहनां नूं लगदा कि मेरे बेटे नूं कोई प्रॉब्लम है तां ही उह इन्नी उच्ची उच्ची रौला पा रहा है ते उह सारे काम छड्डदा है उह देखदा अपने बेटे वल ते उह देखदा उहदे पिछे इक मगरमच्छ स्पीड दे नाल स्विम करता होया आ रहा। पापा नठदे उतों बच्चा स्विम करके पापा वाल आ रहा है उसके पिछे मगरमच्छ स्विम करता होया आ रहा बड़ी स्पीड के नाल। बाय द टाइम वो उधर पहुंचते जिते पापा उस बच्चे बेरली पकड़ ही पाते ने उन्नी देर च क्रोकोडाइल जो होंगे मगरमच्छ होंगे मुंडे के पैरों फड़ लैंदा उसकी लत नूं फड़ लैंदा जिस तरह ही उसकी लत नूं फड़दा पापा उसकी बाहों नूं फड़ लैंदे बस वो खिचा तूनी दा उत्थे खेड शुरू हो जाता है। पापा पूरा जोर लगा के बच्चे नूं खिंचदे ने मगरमच्छ पूरा जोर लगा के बच्चे नूं पानी वाल नूं खिंचदा है थोड़ी देर चलता रहिंदा है ते जो लोकी देखदे ने कि बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ते उत्थे फिर लोकी आंदे ने उस नूं मगरमच्छ नूं शूट कर दिंदे ने वो मर जांदा। बच्चा इन्ना बुरी तरह लहू लुहान होया हुंदा है उहनूं हस्पताल विच लैके जाया जांदा है थोड़े दिन लगदे आ बच्चा ठीक हो जांदा है। एक रिपोर्टर ओदे कोल आंदा है उहनूं पुछदा है कि सारा एक्सपीरियंस किदां दा रिहा की होया एग्जैक्टली की होया असीं जानना चाहुंदे आं। ऑब्वियसली जिहड़े प्रेस दे लोग होंदे ओह दे वांट टू सेंसेशनलाइज द एंटायर न्यूज़। बच्चा दसदा है वो अपनी लत्तां दिखांदा है कि पूरी तरह बुरी तरह कटियां होईयां उत्ते स्टिचेस लगे हुए ते ओह रिपोर्टर नूं बड़ा दुख लगदा उहदी हालत नूं देख के पर बच्चा उत्थे रुकता नहीं है वो अपनी बाहों उपर कहता है वह कहता देखो इतने भी सट है इतने भी निशान है कहता पर जेडे लत्तां दे निशान ने
ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਗਰਮੱਛ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ चोट पहुंचाए गए होने कई बार ऐसी बातें होती हैं जो अपनों ने चोट पहुंचाई होती कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमने चोट खाई हुई होती है सो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जब शैतान हमें खींचने की हमें दबोचने की कोशिश करता है और वो ये सोचता है कि इन्हें बस विश्वास में से नीचे गिरा दिया जाए इन्हें मार दिया जाए क्योंकि वचन बताता है कि शैतान क्या करना आता है वो घात करने चोरी करने नाश करने के लिए आता है लेकिन परमेश्वर क्या दिखाते हैं परमेश्वर ये दिखाते हैं कि वो शैतान को हमें सौंप नहीं देंगे वो हमें खींच कर उसके जबड़े से भी बाहर निकालने के योग्य परमेश्वर है तो कई स्कार्स ऐसे होंगे जो आपको दुख देंगे कई निशान ऐसे होंगे जो आपको दुख देंगे लेकिन जब आप उन निशानों को ध्यान से देखेंगे तो आप जानेंगे ये निशान वो है जिसमें मैं मरता मरता बचा था क्योंकि परमेश्वर ने हाथ आगे करके मुझे बचा लिया हालेलुया और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम उस सिचुएशन में से बाहर कैसे आए मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है आई हैव सीन कि हम उस मोड में चले जाते जहां हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु आपको दिख नहीं रहा कि मैं कैसी सिचुएशन में हूं प्रभु आपको पता नहीं चल रहा मैं कैसी सिचुएशन हूं प्रभु मेरे बोलने की तो जरूरत ही नहीं है आप तो सब जानते हैं तो आप क्यों नहीं इंटरवीन करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए देखिए वचन बताता है जब आप रोमन्स की किताब चैप्टर 8 पढ़ते हैं उसकी 26 आयत में ऐसा लिखा है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए यानी कि अभी भी हम चाहे जितना मर्जी कह दे भी मैं 10 साल पुराना विश्वासी हूं मैं 20 साल पुराना विश्वासी हूं मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं हम जितना भी अपने आप को क्वालिफाइड समझे फिर भी वचन बताता है कि हम जानते ही नहीं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा आप ही आहे भर भर के हमारे लिए दुहाइयों के साथ प्रार्थना करते हैं और ये क्या है दीज ग्रोनिंग्स एंड मोर्निंग्स ये बयान से भी परे है इसका मतलब जब मैं ये पढ़ रही थी मैंने कहा इसका मतलब परमेश्वर आपके कानों तक वो प्रार्थना पहुंचती है जो हमारे अंदर से निकलती है और बयान से भी परे है जो यानी शब्दों में डाली नहीं जा सकती तो ये कौन सी प्रार्थना है और फिर परमेश्वर ने वचन दिया कि परमेश्वर तुम मुझे चलने फिरने को मारे मारे फिरने को भी जानता है उसका भी लेखा लेता है रखता है और मेरे आंसुओं को तो कुप्पी में डाल लेता है दैट मींस वो लैंग्वेज जो आंसुओं के रास्ते से हमारी आंखों से निकलती है आहों के रास्ते से हमारे दिल से निकलती है ये वो प्रार्थना है जो परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है ऐसी प्रार्थना नहीं है कि आप बैठ जाएं और आप जोर जोर से हाथ उठा के हालेलुया करने लग जाएं वो प्रार्थना नहीं लेकिन वो प्रार्थना देखिए जब आप वचन में पढ़ें अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल लाए हैं तो मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 18:6 और ऐसा लिखा है अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने निवास स्थान से मेरी दुहाई मेरे रोने को सुना मेरी दुहाई उनके पास पहुंची और उनके कानों में पड़ी यानी कि परमेश्वर के कानों में क्या पहुंचता है हमारी दुहाई हमारा रोना हमारा बिलकना हमारी वो आहें जिन्हें हम बयान नहीं कर सकते और अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो ये क्या चीज हाउ इज इट गोइंग टू Be useful for us. ये कैसे हमारी जिंदगी में लागू की जाएगी तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारी दुहाइयां हमारे आंसू हमारा रोना हमारी हमारा बिलखना हमारा परमेश्वर के सामने अपने मन को अपने दुखी हृदय को रखना हमारे लिए किन किन बातों के लिए फायदेमंद होता है
क्या हम तैयार हैं? Can I have someone on the keyboard, please? Do we have someone on the keyboard? देखिए, जब हम सबसे पहली बात है, हमारी दुहाइयां, हमारा चिल्लाना, हमारा परमेश्वर के सामने कुर्लाना हमें बॉन्डेज में से, हमें स्लेवरी में से, हमें बंधुआई में से, बंधिशों में से बाहर निकालता है। मैं चाहती हूं कि आप एक बार थोड़ा सा देखें निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस में, जब तीसरे चैप्टर में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था, तो परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में मूसा को आकर कोई बात कही थी। और जब परमेश्वर ने मूसा को पुकारा था, तो प्रभु ने ये बात कही, जब हम सेवंथ आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। किसको सुना है? चिल्लाहट को सुना है। अपने पड़ोसी को बोले, चिल्लाहट को सुना है। जरा जोर से बोले, आपकी आवाज मेरी आवाज से ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। चिल्लाहट को सुना है। और आगे लिखा है कि उनकी पीड़ा को मैंने देखा है। यानी परमेश्वर हमारी चिल्लाहट को सुनते हैं, हमारी पीड़ा को देखते हैं। और यहां पर बड़ी अद्भुत बात हुई, लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। परमेश्वर कब हमारे हालातों में उतर आते हैं? जब हमारी चिल्लाहट को सुनते हैं, जब हमारी दुहाइयों को सुनते हैं, जब परमेश्वर हमारी पीड़ा को देखते हैं, तब परमेश्वर उतर आते हैं। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा, परमेश्वर इतनी सेंचुरीज से आप क्या कर रहे थे? इतनी सदियों से वो लोग मिस्र की गुलामी में थे और उनका इतना बुरा हाल था, तो इतने साल, इतनी सेंचुरीज क्यों बीत गई? वो इसलिए बीत गई क्योंकि अभी भी उनके चिल्लाने में वो शायद दम नहीं था, अभी भी उनका घड़ा चिल्लाने वाला भरा नहीं था कि वो परमेश्वर को अट्रैक्ट कर सकते कि प्रभु उतर। लेकिन अब परमेश्वर उतर, और जब परमेश्वर उतर आए, प्रभु क्या कहते हैं? इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हिती, एमोरी, परिजी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। और फिर एक बात लिखी, इसलिए अब सुन इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुन पड़ी है। क्या सुन पड़ी है? क्या सुन पड़ी है? दो बार परमेश्वर ने एक ही बात बोली, एक ही चीज को प्रभु दो दो बार कह रहे हैं कि उनकी चिल्लाहट मुझे सुन पड़ी है। इसलिए प्रभु का ये कहने का मतलब है, इसलिए मेरा आना जरूरी हो गया था। आपके साथ जो बैठे, जो आपके पड़ोसी, उन्हें बोले, जब आप चिल्लाते हैं, उन्हें नहीं करना, कहा जाके रोला पाई जाओ। हस्बैंड कहन के कीस के आ गई, आज कीस खाता सी, रोला पाया जदों दी वापस आई है। वो वाला चिल्लाना नहीं। अगर आपको चिल्लाना है, अगर आपको बताना है, अगर आपको दुहाई देनी है, तो परमेश्वर यहोवा के सामने, अब्बा पिता के सामने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आत्मा में होकर चिल्लाएं, ताकि परमेश्वर आपकी सिचुएशंस में उतर आए। हालेलुया। तो सबसे पहला काम क्या होता है जब हम चिल्लाते हैं, जब हम कुलाते हैं, जब हम अपनी आवाज को उठाते हैं? हम परमेश्वर से अपनी बंधुआई में से बाहर आने का रास्ता निकालते हैं। अब वो बंधिशें, अब वो बंधन हमें बांध के नहीं रख सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक ऑफ द एनमी। जब अभिषेक उतरता है तो जुए टूटते हैं। तो जहां परमेश्वर आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली वहां पर आप बंधिशों में नहीं रह जाएंगे। हालेलुया। दूसरी चीज क्या होती है? आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो आए थे, तो वहां पे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर एक अंधा व्यक्ति था जो जेरिको की वॉल्स के बाहर बैठा हुआ था, और उसने चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर क्या कर, क्या कर? वो
इसका मतलब वो जानता था कि ये ही वो इंसान है जो मुझ पर दया कर सकते हैं, और जब वो दया करेंगे मेरी सिचुएशंस बदल जाएगी। तो वो चिल्लाना शुरू हुआ, इतना चिल्लाया कि लोगों ने उसे डांटना शुरू किया। जब लोगों ने डांटना शुरू किया, उसने और क्या करना शुरू किया? क्या किया? अपने पड़ोसी को बताएं क्या किया? और चिल्लाना शुरू किया। और वो तब तक चिल्लाता रहा जब तक प्रभु यीशु मसीह रुक नहीं गए। आज मुझे लगता है उस टाइम पर तो ऐसे माइक्स नहीं होते थे, तो हम लोग अब माइक पे बात कर सकते हैं। उस टाइम पर जब वो चिल्ला रहा होगा, अगर भीड़ों की भीड़, अगर मान लीजिए इतनी भी भीड़ प्रभु यीशु के साथ होगी, तो कितनी जोर से चिल्लाया होगा कि उसकी आवाज प्रभु के कानों तक पहुंच गई। और ऐसा चिल्लाया होगा क्योंकि उसे पता था इट इज नाउ और नेवर, अभी समय है, या तो अब चिल्लाऊंगा और मुक्ति पाऊंगा, नहीं तो कभी नहीं पा सकता। आज आपका समय है, आज आपका समय है। अगर आप इस वचन को समझ जाएंगे, बिकॉज ये बहुत गहरी बात है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूं, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे, आप एक ऐसी कुंजी लेकर वापस जाएंगे जिसमें आपकी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर आएगा। आमीन। तो वो तब तक चिल्लाता रहा जब तक प्रभु ने सुन नहीं लिया, और जब प्रभु ने सुन लिया तो उसने अपनी गुजारिश को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखा। तो हमारी चिल्लाहट क्या करती है? हमारी चिल्लाहट हमें हमारी बीमारियों से बाहर आने का मौका देती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग यहां पर बीमारी के आलम में हैं, या आपके शरीर में तकलीफ है, या आप बीमारी के साथ जी रहे हैं इतने सालों से, पर मेरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो फिर बीमारी आपके शरीर में कैसे रह सकती? सिंपल। हमारे घर पे जब कोई आ जाता है, और खुदा ना खास्ता अगर उसे कहीं मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, तो मुझे बोलते हैं कि आपके पास दवाई है, तो मैं कहती हूँ हमने तो फर्स्ट एड बॉक्स ही नहीं रखा। मेरे हस्बैंड कई बार मुझे डांटते हैं, कहते हैं कि हमने घर में एक भी दवाई नहीं रखी। मैंने कहा क्योंकि हमारा भरोसा जिंदा परमेश्वर पर। हालेलुया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मान ले कहीं कट लग गया बच्चे के, खेलते खेलते बच्चा गिर गया, बस मैं तो पोंछ देती हूँ पानी के साथ और कहती हूँ ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। मेरे को नहीं याद पड़ता कि मैंने एंटीसेप्टिक लगाई है। पेट में दर्द है तो मेरे बच्चे आ जाते हैं, मम्मा जरा प्रार्थना करना पेट में दर्द हो रही है, पेट में दर्द है तो प्रार्थना की और परमेश्वर ठीक करते हैं। सो मैं जो बात आपको समझा रही हूँ वो ये है कि हमारा चिल्लाना क्या करता है? हमारा चिल्लाना हमारी बीमारियों से हमें बाहर आने का मौका देता है, क्योंकि जब हम चिल्लाते हैं परमेश्वर आते हैं, जब परमेश्वर आते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। अगर आज आप सब कुछ भी भूल जाते हैं, सिर्फ एक ही लाइन याद रखते हैं, तो ये याद रखें कि आपका चिल्लाना परमेश्वर के कानों तक पहुंचता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं, तो ऐसे चिल्लाने से थोड़ी ना परमेश्वर हर किसी की आवाजों को सुनते रहेंगे। हम में से कितने माँ बाप हैं यहाँ पर? माँ बाप कितने हैं यहाँ पर? मम्मी डैडीज, मम्मी पापा, मैं भी एक माँ हूं। जब हमारे बच्चे हमें बुलाते हैं या वो चीखते हैं, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? आई एम श्योर आपको पता होगा, चाहे मम्मा जितने भी ज्यादा अपने काम में, अपने किचन में, अपनी चीजों में मसरूफ हो, लेकिन बच्चे की उस आवाज में जो दर्द होगा वो हम पहचान जाएंगे, और हम सारा काम छोड़कर बच्चे को अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे को हमारी जरूरत है। पापा के साथ जरा बच्चे को बाहर भेजे खेलने के लिए, पापा फोन पे भी होंगे, और कहीं बच्चा गिर जाएगा और उसकी आवाज आएगी पापा, तो चाहे शोर भी होगा, पापा घूमता हुआ पहले सबसे पहले फोन छोड़कर बच्चे को पकड़ेगा, क्योंकि उसे पता है मेरे बच्चे की आवाज है, उसे मेरी जरूरत है। तो जब मैं चिल्लाने की बात कर रही हूं, जब आपके दिल में दर्द होता है, जब आपके हालातों में मुश्किलें होती हैं, जब आपको पता है कि कोई आपका साथ नहीं दे सकता, जब आपको पता है कि सबने आपको रिजेक्ट कर दिया है, जब आपको पता है कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो एकमात्र सहारा है, तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, और वो ये है कि जब आपके लफ्ज ना निकले तो आंसुओं के साथ चिल्लाएं और कहें परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। हालेलुया। मुझे हाजरा की बात बड़ी अच्छी लगी। जब जेनेसिस की किताब में हम चैप्टर 21 में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि वहां पर जब सारा को बहुत बुरा लगना शुरू हो
इश्माइल। जब वो इसहाक को छेड़ा करता था तो सारा को ये बात बड़ी अकड़नी शुरू हुई। सारा ने अब्राहम को कहा कि मुझे इसे घर पर नहीं रखना, भी ने बाहर निकाला। अब्राहम ने बड़े दुखी दिल के साथ हाजरा को और इश्माइल को भेज दिया। कैसे भेज दिया? थोड़ा सा खाना देकर और साथ में वाइन स्किन के अंदर पानी डालकर भेज दिया कि चलो जी जाओ अब तुम। और जब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जब उन्हें छोड़ दिया गया, जब उनके पास प्रोविजंस खत्म हो गई, वो एक ऐसे विल्डरनेस की सिचुएशन में आ गए, वो एक ऐसे रेगिस्तान के बियाबान इलाके में आ गए जहां कोई उनका साथ देने के लिए नहीं था। और दोनों चिल्ला रहे थे, ध्यान से पढ़िएगा, वहां लिखा है दोनों चिल्ला रहे थे। और हुआ क्या? हाजरा की आवाज तो नहीं पहुंची परमेश्वर के कानों तक, लेकिन इश्माइल की आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंच गई, क्योंकि वो भी उसी वाचा का ही हिस्सा था जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। और क्या होता है यहां पर? दो चीजें होती हैं, यहां पर दो चीजें होती हैं। एक तो उसको आने वाले फ्यूचर के बारे में आश्वासन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चिल्ला रहा था। और दूसरा क्या है कि उसको प्रोविजंस दिए जाते हैं। जबकि उस जगह पर कहीं पानी का नामो निशान नहीं था, पर क्योंकि वो चिल्लाए, बोलेंगे क्योंकि वो चिल्लाए। आपकी आवाज तो अभी नहीं निकल रही, आप चिल्लाएंगे कैसे? क्योंकि वो चिल्लाए। अपने पड़ोसी को बोले क्योंकि वो चिल्लाए। बस आगे आगे कई लोग हैं, मुझे लगता है बस यही रिसीव करने के लिए आए, बाकी तो बस ऐसे ही आ गया कि चलो जी आज देखते हैं चल के क्या होता है। अगर आज आप परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा से आए तो प्लीज आई चैलेंज यू, मैं आपको चुनौती देना चाहती हूं कि ध्यान से सुने और पार्टिसिपेट करें। आपको नहीं पता आपके एक शब्द के साथ आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि वो चिल्लाए, अपने पड़ोसी को बोले क्योंकि वो चिल्लाए। क्योंकि वो चिल्लाए इसलिए प्रभु उनके सामने आए, और जब परमेश्वर आए तो प्रभु ने उनके सिचुएशन को बदल दिया। जो पानी पहले दिख नहीं रहा था, जो पानी वहां पर था नहीं, जो प्रोविजंस वहां पर है नहीं थी, वो प्रोविजंस जब आंखें खुली तो सामने ही पाई गई। कहां से आया वो कुआं, कहां से आया उसमें पानी? वो इसलिए क्योंकि वो चिल्लाए और वो दुहाई परमेश्वर के कानों तक पहुंची। जब वो कानों तक पहुंची तो परमेश्वर उतर आए, जब परमेश्वर उतर आए तो सिचुएशन बदल गई। हालेलुया, इट्स ऑल अबाउट यू शाउटिंग टू द लॉर्ड। आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम्स का हल सब घूम के, सब एक चीज में इकट्ठा हो जाएगा, और वो ये है कि जब आप परमेश्वर के सामने दुहाई लगाएंगे, when you will cry out to the Lord, he will listen to you। मैं नहीं कहती, वचन में लिखा है, और वचन झूठ नहीं बोलता है। ये है तीसरी चीज। पहले में हमने क्या सीखा कि बंधुआई में से क्या सीखा? हमारा चिल्लाना क्या करता है? हमें बंधुआई में से बाहर निकालता है। दूसरा क्या सीखा? मैं तो सोच रही थी अमृतसर के लोग बड़े उत्तेजित होंगे वचन सुनने के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा बताना भूल गई आपको, मैं रिवीजन भी साथ साथ करवाने वाली टीचर हूं, तो अगर बच्चों को समझ नहीं आती मुझे दोबारा से शुरू करना अच्छा नहीं लगता, मैंने खड़े करके पूछ लेना। हालेलुया, हमारी कलीसिया से हमारे टीम मेंबर्स भी आए हुए हैं, वो जानते हैं इस बात को कि हम रिवीजन में बड़ा विश्वास रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप सुने और एक कान से सुन के दूसरे से निकाल कर चले जाए। तो पहली चीज हमने क्या सीखी, हमारा चिल्लाना क्या करता है? बंधुआई में से हमें रिहाई देता है। दूसरा काम क्या देखा हमने? हमें फिजिकल हीलिंग देता है। तीसरा काम क्या देखा हमने? आमीन। जहां पर कोई आस नहीं होती वहां पर परमेश्वर अपनी होप हमारी जिंदगी में ले आते हैं, और जहां पर प्रोविजंस नहीं होती वहां पर परमेश्वर प्रोवाइड कर देते हैं, मुहैया करवा देते हैं। अगली चीज, परमेश्वर हमारे लड़ाइयों में हमें जीत देते हैं जब हम चिल्लाते हैं।
और अगर आप घर जाके पढ़े तो पहला राजाओं पढ़ेगा उसका 22 चैप्टर, पहला राजाओं उसका 22 चैप्टर, और वहां पर आप देखेंगे कि आहाब और यहोशफत गिलाद के रमोत को लेने के लिए लड़ाई के लिए चले जाते हैं। और आहाब को पता है कि वहां पर कोई खतरा है, तो आहाब क्या करता है, खुद अपने कपड़े चेंज कर लेता है, लेकिन यहोशफत को राजा की ड्रेस में ही आगे भिजवा देता है। अब ये जो दुश्मन सेना थी, इन्होंने ये बात तय की हुई थी कि छोटे मोटे लोगों को नहीं पकड़ना, सीधा के सीधा राजा के ऊपर अटैक करना, राजा मर गया तो सारी खेल हमारी है, गेम में हम जीत गए। तो वो सोचते हैं कि यहोशफत जो है वही आहाब है, वही इज़राइल का राजा है। तो जैसे ही वो उसकी ओर देखते हैं, वचन बताता है यहोशफत चिल्लाया। क्या किया उसने, क्या किया उसने? अगर आज आप अपनी बैटल्स को जीतते हुए देखना चाहते हैं तो क्या किया उसने, जोर से बोलेंगे, वो जोर से चिल्लाया। और जब वो चिल्लाया, साथ में ही शत्रु वहां से मुड़ गए, क्योंकि वो जान गए कि इस बंदे को हाथ नहीं लगा सकते। आपका चिल्लाना परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। आपका चिल्लाना, चाहे आप एक बैटल ग्राउंड में भी हो, युद्ध के मैदान में भी हो, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के सामने मदद की गुहार लगाएंगे, दुहाई देंगे, चिल्लाएंगे, परमेश्वर उस जगह पर भी आपका बाल का बांका भी नहीं होने देंगे। परमेश्वर आपको हारने नहीं देंगे। और वो क्या है, वहां पर घेराव में भी बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो चिल्लाया, परमेश्वर के सामने उसने दुहाई दी। एक चीज और बड़ी अच्छी है, कि जब आप अपने लॉस पे चिल्लाते हैं, कई बार कोई चीज गुम जाती है तो आपने देखा होगा बच्चे कैसे चिल्लाते हैं, या अगर हमने किसी चीज में नुकसान देखा हो तो हम कैसे चिल्लाते हैं, हम बहुत चिल्लाते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपके सामने एक ऐसा वचन शेयर करने जा रही हूं जो कि दाऊद राजा के साथ रिलेटेड है। जबकि वो पैलेस्टीन की आर्मी के साथ शामिल होने के लिए गया और उन्होंने उसे नहीं अपनाया, तो वो वापस आया। चलिए मेरे साथ निकाल लीजिए, पहला शमूएल उसका 30 चैप्टर, पहला शमूएल उसका 30 चैप्टर और उसकी पहली 5 आयतें। यहां लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग की मार के कुमार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बना कर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग ले लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर को जला पड़ा देखा और स्त्रियों और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए देखे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए। क्या करके, क्या करके? चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ही ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां, और फिर आगे देखे ले जाई जा चुकी थी, और आगे क्या लिखा है कि वो इतने बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, पर दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। यहां पर दाऊद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा और उसने सोचा कि जब मैं घर वापस आऊंगा तो सब लोग मेरा स्वागत करने के लिए आएंगे, हमारी आर्मी का स्वागत करने के लिए आएंगे। दूर से वो देखता है और वो देखता है कि वहां पर सब कुछ जला हुआ है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, ना तो किसी वॉरियर के बच्चे और बीवियां वहां पर नजर आ रही है, और वो इतना शोकित हुआ, इतना दुखी हुआ कि सिर्फ वही नहीं चिल्लाया, उसके साथ जितने
भी वॉरियर्स थे वो सब चिल्ला रहे थे। अब जरा सोच कर देखा कि जो वॉरियर होता है, जो योद्धा होता है, योद्धा का काम लड़ना होता है, चिल्लाना नहीं होता है। लेकिन वो जान गए थे कि यहाँ पर जहां पर उनकी क्षमता खत्म होगी वहां पर परमेश्वर आकर खड़े होंगे, और जब परमेश्वर आकर खड़े होंगे तो उनकी रिस्टोरेशन को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। जो कुछ उसने खोया था, और आगे आप वचन में पढ़े, जो कुछ उसने खोया था उसने सब वापस पाया। तो रेस्टोरेशन कैसे आती है? रेस्टोरेशन एक लॉस के बाद ऐसे नहीं आ जाती कि आप बैठे और आप कहें परमेश्वर आप सब कुछ दिलाने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु आप रिस्टोर करने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु आप भरपाई करने वाले परमेश्वर। ऐसे नहीं आती भरपाई, ऐसे नहीं आती रेस्टोरेशन। कैसे आती है रेस्टोरेशन? जब आपको पता है कि आपका ही आप सिर्फ परमेश्वर में है, और आप ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे रोते हैं, ऐसे दुखी होते हैं कि आपको पता है कि परमेश्वर आपको रिस्टोर करना जानते हैं। हालेलुया। मैं बहुत सेंसिटिव इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, इसी बात के साथ रिलेटेड है। आई होप मेरी मम्मा को बुरा ना लगे। जब मेरी छोटी सिस्टर की डेथ हुई, हम नए नए प्रभु में आए थे, कुछ ही समय हुआ था प्रभु में आए हुए, और हम दोनों ऐसी थी जैसे दो जिस्म एक जान, बहुत क्लोज, वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वो दीदी 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 करते सारा टाइम मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। उसकी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, हमने दिन में पता नहीं कितने घंटों फोन पे बातें करनी। वी वर वेरी क्लोज, बहुत बहुत नजदीक थे हम एक दूसरे के। और एक दिन अचानक सीबीएन के शूट्स में, जब मैं वापस शूटिंग से आई रिकॉर्डिंग से, तो मैंने देखा, मैंने टीवी ऑन किया और न्यूज लगी हुई थी, और उसमें पता चला कि केरला में एक बोट है वो कैप्साइज हो गई, उलट गई है। और हमें पता था वो केरला में है, और मेरा दिल बैठ गया। मैंने मम्मा को फोन किया, मैंने कहा उसका कोई फोन आया? कहते नहीं। मैंने कहा वो गई। मम्मा कहते ऐसे क्यों बोल रही? मैंने कहा वो गई, क्योंकि हम लोग इतने क्लोज थे। और मुझे जब मैं शूट्स कर रही थी उस दरमियान ही मुझे कुछ हो रहा था अंदर से, मेरा मन ऐसा हो रहा था, और क्योंकि उस टाइम पर हमारा दूसरा बेटा होने वाला था, तो मुझे लगा शायद प्रेगनेंसी की वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ। मैंने अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हो रहा था। और मैंने मम्मा को फोन करके कहा वो गई। बहुत समय लगा उसकी डेथ के शॉक से बाहर आने में हमें। और मैं परमेश्वर से एक ही बात पूछा करती थी, मैं कहती थी प्रभु इतनी जल्दी वो क्यों चली गई? और जब तक सारे क्रियाक्रम वगैरह, जो सारे काम होते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह नहीं हुआ, तब तक मैं यही कहती रही प्रभु आप इसको जिंदा करेंगे, आप इसको जिंदा करेंगे। नहीं, विश्वास था, जोश था पूरा, नहीं प्रभु आप जिंदा करेंगे, आप जिंदा करेंगे, अभी जिंदा करेंगे, अभी जिंदा करेंगे। बहुत समय लगा अपने आप को संभालने में। बड़ा बार पूछा मैंने प्रभु से, क्यों ले गए आप उसको जबकि आपको पता था वो मेरे कितने नजदीक थे? कोई जवाब नहीं मिला। एक साल निकल गया, दो साल निकल गए, तीन साल निकल गए, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे साल के एंड में परमेश्वर की एक धीमी सी आवाज मेरे पास पहुंची, क्योंकि मैं ये रोज पूछती थी प्रभु से। दिन में उठना मैंने तो उसके बारे में सोचना, रात को सोना उसके बारे में सोचना, सुबह उठना तो मुझे यही सपने आने कि हम अपने छोटेपन में खेल रहे हैं, हम अपने पुराने घर में खेल रहे हैं, और वहां पर वो भाग रही है, मैं पकड़ रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, वो खेल रही है, तो मुझे यही सपने आने। और तीन साल लग गए मुझे, मैं उस ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आ पा रही थी। और मैंने रोज प्रभु से एक ही बात पूछनी, क्यों आपने ऐसा क्यों किया? पर जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार परमेश्वर ऐसी चीजों में से, ऐसे कठिन हालातों में से हमें बाहर आने के लिए क्या करते हैं और क्यों निकालते हैं। और अब मैं इस वचन को जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, इस वचन को मैं रिलेट कर पाती हूं कि मैं कैसे चिल्लाती थी। और जिस दिन मेरा चिल्लाना इतना बढ़ गया कि मैं और चिल्ला नहीं सकी, उस दिन ये जवाब मुझ तक पहुंचा।
मैं उसे वचन नहीं दे पाई। मैंने एक बार बस ऐसे से उसको वचन की बात कही कि मैंने कहा प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया है, हम प्रभु यीशु के हो गए, तू भी प्रभु यीशु को स्वीकार कर ले। बस इतनी सी बात हुई, मैं उसको वचन दे नहीं पाई ढंग से और वो मर गए। परमेश्वर ने मेरे मन में क्या डाला कि अब से जिसके भी कांटेक्ट में मैं आऊंगी, मैं उसको बिना वचन के जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता किसकी जिंदगी कितनी है, पर अब कोई भी ऐसा जन नहीं होगा जो मेरे कांटेक्ट में आया हो और ये कहते कि नहीं तूने हमें वचन नहीं दिया। उसकी डेथ ने, उसके मरने ने इस मिनिस्ट्री को शुरू किया जिसमें मैंने परमेश्वर के वचन को लोगों तक देना शुरू किया। और क्योंकि वो एक बहन मैंने खोई और आज परमेश्वर ने लाखों आत्मिक बहनें मुझे दी हैं जो मुझे हाथों हाथ उठा लेती हैं और मैं प्रभु को कहती हूं शायद ये आपकी योजना थी जो बात मैं आपको कह रही हूं। इट्स वेरी पेनफुल पर मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे आपसे कोई सिंपैथी चाहिए, मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं टूटी हुई महसूस करती हूँ। मुझे परमेश्वर ने उभारा, वो तब उभारा जब मैंने चिल्लाया और परमेश्वर से पूछा। आज मैं इस बात के लिए बुरा नहीं फील करती, मैं गुड फील करती हूँ कि प्रभु शायद यही आपका तरीका था मुझे सिखाने का, शायद ये आपकी योजना थी, शायद उसकी जिंदगी का यही मकसद था कि वो आए और वो जाए ताकि मैं सीख पाऊं कि मुझे आपके लिए क्या करना है। और अगर वो ना जाती तो शायद ये मिनिस्ट्री शुरू नहीं होती। मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको समझा रही हूं वो ये है, भरपाई करने वाला परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर। और आज इतनी ऐसी बहनें हैं जो पर्सनली, जिनको मैं जानती हूं, जो मुझे पर्सनली जानती हैं, वो अपनी ऐसी सिचुएशंस, ऐसी प्रॉब्लम्स को शेयर करती हैं और मैं सोचती हूं तो मेरी अपनी बहन मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स शेयर किया करती थी। और आज मैं उन्हें ऐसे नहीं कहती कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे ये काउंसलिंग, मैं जो भी बात कहती हूँ, जो भी बात समझाती हूँ, वचन से समझाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही वचन है जो जिंदगियों को बदलता है। सो अगर आज आपने कुछ खोया है, अगर आज आप भी उस सिचुएशन में हैं जहां परमेश्वर से बार बार पूछते हैं प्रभु क्यों अलाउ किया, क्यों आपने इस इंसिडेंट में से निकाला, क्यों मुझे ये लॉस सहना पड़ा, क्यों प्रभु आपने मुझसे ये चीज छीन ली, तो आज इस उदाहरण को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको रिस्टोर करने वाले, परमेश्वर आपको उसकी भरपाई करके देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, नोबडी एल्स कैन डू दैट। मेरी माँ एक नई बेटी को जन्म देकर नहीं खड़ा कर सकती थी कि अब से ये तेरी बहन है, परमेश्वर ने मुझे बहने दी। He is a wonderful restorer. और जब मैं यहां पर दाऊद के बारे में पढ़ती हूँ, दाऊद इतना रोया, इतना चिल्लाया, जबकि उसमें और हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो रो सके, तब परमेश्वर ने अपने वचन के साथ उसे हियाब दिया और उसने जाकर जो खोया था वो सब पाया, वरन उससे भी ज्यादा पाया। हालेलुया। तो जब हम चिल्लाते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम अपनी दुहाई देते हैं, तो हम क्या पाते हैं? हम परमेश्वर से अपनी खोई हुई नेमतों को वापस पाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आज मेरी प्रार्थना है, यहां पर आए हुए प्रत्येक भाई और बहन के लिए, कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में उस मुकाम को देखा है, उन चोटों को देखा है, उन रिजेक्शन को देखा है, उन लैक को देखा है, उन कमियों को देखा है, उन खटियों को देखा है, जहां वो नाउम्मीद हो चुके हैं, तो आज प्रभु सिर्फ वो आपकी ओर ताके ही नहीं, लेकिन अपने आंसुओं के साथ, अपनी दुहाइयों के साथ, अपने रोने के साथ, अपनी उन सब बातों के साथ जो बयान से परे है, आपके सामने आए। और जब प्रभु वो आपके सामने आए,
जैसे वचन में हमने पढ़ा कि हमारी दुहाइयां आपके कानों तक पहुंचती हैं, आप निवास स्थान से सुनते हैं मेरे परमेश्वर, तो होने दे कि आज आपकी आपके कानों तक उनकी दुहाइयां पहुंचे, वो जान सके कि जो हम वचन में पढ़ते हैं, जो वचन में सीखते हैं, वो सच्चा है, क्योंकि आप सच्चे हैं। Let them call upon you. प्रभु आपके नाम को पुकार सके, पूरे दर्द के साथ आपके नाम को पुकार सके। Dear Spirit of God, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मैं इस समय आपके ऊपर रिलीज करती हूं। और जैसे वचन बताता है कि परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का शालोम जो सब समझ से परे है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से परे है, वो शालोम आज आपके मनों पर, आपकी सिचुएशंस पर, आपके दिलों पर, आपके हालातों पर, आपकी बातों पर, आपकी सोच पर आकर ठहर जाए प्रभु यीशु के नाम। और शांति का परमेश्वर आपको कंप्लीटली खड़ा करे, आपको कंप्लीटली खड़ा करे, आपको कंप्लीटली खड़ा करे, और आपने जो खोया है वो आपको वापस दिलाए प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। आइए इस समय हम सब खड़े हो जाएंगे। Can I have the